छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा रे बड़ धरणर नक्सल हमला आक्रमण रे 11 जन जवान शहीद ऑपरेशन सारी फेरुथिले जवान छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कथा हेले केन्द्र गृहमंत्री ए दृश्य ही बयान करुछि विस्फोरण केते भयंकर थिला सीधा जवान को फेरिबा रास्तारे ही आंबुस लगाई गाड़ी को उड़ाई देले आक्रमण में 11 जन जवान शहीद होती सेमानंक मध्यरे 10 पुलिस अधिकारी जड़े ड्राइवर मृत्यु होई विस्फोरण शक्ति एत प्रचंड थिला जे 5 किलोमीटर जाए यार प्रभाव देखा मिलता डीआरजी जवान को नक्सल विरोधी ऑपरेशन बेले हमला होई आक्रमण में किसी जवान आहत होता नहीं सूचना दीजाई पुलिस कहवा अनुजाई गुइंदा रिपोर्ट मिलवा पर आरंभ होता माओ विरोधी ऑपरेशन शेष कर डीआरजी फोर्स जवान माने फेरुवा बेले घटना घटी आक्रमण को नहीं शोक प्रकाश करने मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल कहते जे माओवादी एभली आक्रमण कर बंची जाई पारिबे नाही ए घटना अत्यंत दुखदायक माओवादी विरोध में आम संग्राम शेष पर्यायर अच्छी योजनाबद्ध ढंग से माओवादी मूलपोच कर बेहद दुखद है जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। आक्रमण परे माओवादी एवं जवान मानों को मध्य गुली विनिमय जारी रही थिला। घटना विषय सूचना मिलवा पर दुईट आंबुलांस से पहुंची सहित माओवादी मुकाबला करने डीआरजी फोर्स अन्य जवान घटनास्थल में पहुंची जमापड़ से नक्सल हमला पर स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री बाघेल फोन जोगे कथा से स्थित समीक्षा करने केन्द्र पक्ष सब प्रकार सहायता जोगा दिजा प्रतिश्रुति उपस्थिति के सूचना पर दंतेवाड़ा डीआरजी द्वारा एक अभियान संचालित किए गए थे। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौट रहे थे। इस दौरान आरमपुरी एवं सामेली के बीच में डीआरजी गाड़ी को आईडी के माध्यम से महोदय द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन आईडी के चपेट में आ गए थे, उसमें 10 डीआरजी जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर कुल 11 लोग का शहादत हो गई। अतिरिक्त री इन्फोर्समेंट पार्टी सीआरपीएफ एवं डीआरजी घटनास्थल पहुंच गए हैं। अभी घटनास्थल से सभी शहीदों के बॉडी को इवैक्यूएशन का कार्रवाई की जा रही है। स्पॉट में सीनियर ऑफिसर्स का भी अभी पहुंच गए हैं। अभी लगातार सर्चिंग अभियान जारी है। छत्तीसगढ़ में नक्सल हमला परे ओडिशा रे हाई अलर्ट जारी हुई छी। छत्तीसगढ़ सीमा को लागी थीबा तीनटी जिला मालकानगिरी कोरापुट और नवरंगपुर को अलर्ट करा जाई छी। कॉम्बिंग ऑपरेशन जोरदार करबा को मध्य निर्देश दिया जाई छी। सीमा अंचल रे चेकिंग ब्लॉकिंग जोरदार करने को निर्देश होई। एने राज्य पुलिस गुइंदा निर्देशक संजीव पंडा सूचना देछंती। रिपोर्ट ओडिशा रिपोर्टर।